दोस्तों, ज़िंदगी आसान नहीं होती। ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करना होता है। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष इस जीवन में आता रहता है और आता रहेगा। सो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके सोचने के तरीके को यकीन में बदल देगी। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है, सुनिएगा। एक बेटी ने अपने पिता से कहा कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी परेशानियों, बाधाओं और कठिनाइयों से भरी हुई है। एक समस्या जाती है कि तुरंत दूसरी समस्या बन जाती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी, क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो? बेटी थोड़ी मायूस हो गई। वो सोचने लगी कि मैंने अपने पिता को अपनी समस्या बताई और वो किचन में ले जा रहे हैं। पर रूखे मन से अपने पिता से बोली कि ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसके पिता ने तीन पतीले लिए और उनमें बराबर बराबर पानी भर दिया और तीनों को अलग अलग तीन चूल्हों पर रख दिया। एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले, दूसरे पतीले में कुछ अंडे डाल दिए और तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाली और तीनों पतीलों को एक समान ताप में उबालने के लिए रख दिया और इंतज़ार करने लगे। इस बीच वे अपनी बेटी से कुछ नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। वो कभी अपने पिता को देखती थी और कभी उन पतीलों को देखती थी। करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गईं, तो उन्होंने तीनों चूल्हों को बंद कर दिया। आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को निकाला और कॉफ़ी को एक प्याले में निकाला और बेटी से बोले कि बताओ तुमने क्या देखा। बेटी ने जवाब दिया कि आलू, अंडे और कॉफ़ी। पिता ने कहा कि आलू को देखकर बताओ पहले और अब में क्या अंतर है। बेटी बोली कि आलू पहले सख्त थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा कि अंडों में तुम्हें क्या अंतर लग रहा है। बेटी बोली कि पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर तरल था और अब अंडे अपने छिलकों से बाहर हैं और तरल से सख्त हो चुके हैं। पिता ने कहा कि अब कॉफ़ी के बारे में बताओ। बेटी बोली कॉफ़ी बीन्स अलग अलग थी, अब पानी के साथ मिल चुकी है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। पिता ने बताया कि इन तीनों चीज़ों को एक समान पानी में एक ही ताप पर और एक समान समय पर उबाला, उसके बाद परिणाम अलग अलग मिले। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं और सभी को संघर्ष भी करना पड़ता है, पर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो किसी के लिए एक समस्या एक बड़ी समस्या होती है, वहीं किसी दूसरे के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं, अपने आप को सकारात्मक रखें। इस बात को याद रखें कि अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और अगर नहीं हो पाया तो और भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।